पाकि प्रोपोगंडा ऑन चैंपियंस ट्रॉफी इस टाइम पर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो एक जंग छिड़ गई है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जब से जो है वो इंडिया ने ऑफिशियली तौर पर इस चीज के लिए मना कर दिया कि हमारी क्रिकेट टीम जो है वो पाकिस्तान आकर नहीं खेले कि इस चीज को लेकर जो है वो पाकिस्तान के अंदर गम और गुस्सा भाई सारा कुछ भर चुका है तो इस चीज को जो है वो मैं भी काफी टाइम से यार ये चीज जानना चाहती पीछे मेन मुद्दा क्या है मेन जो है वो चीज वजह क्या है ठीक है सिक्योरिटी इशू तो था ठीक है लेकिन इसके अंदर और भी काफी चीजें रिलीजन भी आ गया इसके अंदर इसके अंदर जो है वो पॉलिटिक्स भी आ गई और सिक्योरिटी इशू भी आ गया तो काफी चीजें मिक्स होकर जो है वो हमारे सामने आती हैं मैं बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ बट मैं लास्ट में करूंगी वीडियो के पहले मैं इनकी भी बात सुन लेती हूँ इनकी बहुत ज्यादा सजेशन आ रही थी वीडियो कटिंग का लोग बोलते हैं और आप हाँ लोगों को बता दू कि वो मेरी मजबूरी होती है वीडियो काटना ठीक है है मेरे जो जो सब्सक्राइबर काफी देर से वो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि कि मेरी क्या मजबूरी है कि मैं वीडियो के कुछ पार्ट जो है वो कट कर देती हूँ ठीक है पाकिस्तान में रह रही डर भाई पर समझ जाओ ठीक है तो लाइक करे सब्सक्राइब करे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करे और बिना टाइम को घुआ वीडियो तरफ चलते हैं और अभी ट्वेंटी फाइव मिनट ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स मिनट की इनकी वीडियो है पूरी देखेंगे कट नहीं करेंगे तुम लोगों ने जो है वो आराम से बैठ जाओ और वीडियो देखते हैं इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप का स्वागत है मैं हूँ आलोक तो आज जो एपिसोड लेकर आया हूँ वो एपिसोड है पाकिस्तानी प्रोपागेंडा को ध्वस्त करने का उसको एक्सपोज कर पाकिस्तान की मीडिया की पाकिस्तान के यूट्यूबर्स सारे लोग लगे पड़े हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो प्रोपागंडा पाकिस्तान की तरफ से किया जा जाए भाई भारत की तरफ से कहा गया भारत की तरफ से कहा गया बीसीसीआई की तरफ से एक ई भेजा गया आईसीसी को जिसमें कहा गया कि भाई पाकिस्तान जाकर हमारे लिए खेलना बहुत मुश्किल काम है हम नहीं खेल सकते क्योंकि सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं अब इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के यूट्यूबर सोशल मीडिया सबने बवाल मचा रखा है और भारत को गालियां दे रहे हैं लिटरली गालियां दे रहे हैं भारत को हाँ भारतीयों को गालियां दे रहे, गालिया रहे हैं हमारे बोर्ड को गालियां दे रहे हैं और आ, सवाल पूछ रहे हैं कि काहे का, का सिक्योरिटी कंसर्न और ऐसा और वैसा तो जरा सुनिए पहले ये पाकिस्तानियों को मैं सुनवा देता हूँ कि ये जरा क्या बोल रहे हैं उसके बाद इनको एक्सपोज करने का जो है काम सिलसिलेवार ढंग से हो रहे बट मैं आपको ये श्योर होकर कहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी जरूर होगी पाकिस्तान इंडिया मैच होगा इंडिया के बगैर की टीमें आ, आ, आ गई बांग्लादेश <coughs> हो गई सब टीमें आगे चली गई हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर और भाई मुझे भी पता है सबको पता है अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना कोई पर भी नहीं मार सकता जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है थ्रेट इंडिया प्रूव करे यो सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है सिक्योरिटी आपको प्रूव करना पड़ता है जैसे ऑस्ट्रेलिया ने और वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका में प्रूव किया था 1996 में और जो इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे खेलने 2003 में वो होते डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपने सिक्योरिटी टीम तो भेजी नहीं है विक्रांत गुप्ता साहब के बकौल सिक्योरिटी थ्रेट को साबित कीजिए फिर इंकार कीजिए आप फंस गए हैं मेरा भाई जितनी भी टीम आई है ना पाकिस्तान को अच्छी स्पोर्ट्स दी है आर्मी यानी कि हर चीज़ की किसी चीज़ की नहीं आई जो भी टीम आई हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है है वेस्ट इंडीज जितनी वो खुश होकर गए हैं सिक्योरिटी इशू श्रीलंका और दूसरी टीम्स को दूसरे कंट्रीज को उनसे भी है ठीक है सिर्फ यहाँ पे वो अपनी जाति दुश्मनी दिखा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी का मसला है कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है तो जी सुन लिया आपने छोटी छोटी क्लिपिंग्स मैंने लगाई कि ताकि आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर और सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो किस कदर भारत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं तो मेरे कई दर्शक हैं उन्होंने कई सारे लिंक्स भेजे जिसमें प्रोपेगंडा को बस किया गया तो आज एक एक करके इन सिक्योरिटी कंसर्स क्यों है हमारे लिए उनको जवाब है पाकिस्तानी मीडिया को भी जवाब है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी जवाब है पाकिस्तानी या, ये स्ट्राइक तो नहीं भेजते जो तुम तो हम लोग को गालियां दे रहे हो गंदी टीम और ये और वो सिक्योरिटी नहीं है झूठ बोल रहे हैं चूड़िया है पहन लो अहमद टाइप उनको ये वीडियो जवाब देने के लिए बना रहा हूं तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको देखिए ये एक ट्विटर पे एक ट्विटर हैंडल को मैंने फॉलो किया है इसका लिंक मुझे आज ही मेरी एक व्यूअर है उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे भेजा अब उनका नाम नहीं लूंगा मैं उन्होंने मुझे भेजा लेकिन मेंशन उन्होंने भेजा बहुत जरूरी है उन्होंने भेजा कि ये जॉनी ब्रावो 183 नाम का एक ट्विटर हैंडल है। एक है और पाकिस्तान को एक्सपोज किया है तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या चो? बताया देखिए जॉनी ब्रावो लिखते हैं कि मिथ इंडिया मिक्सिस क्रिकेट प्लस पॉलिटिक्स

आई वॉज टोल्ड बाई ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट दैट वेन इमरान वॉज आस्क हाउ ही बोल्स सच फायर अगेंस्ट इंडिया जब उन्होंने उनको एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बताया कि जब इमरान से उन्होंने पूछा कि आप ये इंडिया के खिलाफ इतनी आग उगलती बॉलिंग कैसे कर रहे थे इमरान खान का जवाब सुनिएगा बहुत ध्यान से वेन एवर आई प्ले अगेंस्ट इंडिया आई डोंट ट्रीट इट एज अ गेम जब भी मैं पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ खेलता हूं मैं इसे एक गेम की तरह नहीं लेता I think of Kashmir. अच्छा। मैं कश्मीर को सोचता हूं एंड ट्रीट इट एज तो ये पॉलिटिक्स कौन लेकर आया 1982 में बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो पाकिस्तान के कह रहे हैं कौन लेकर आया पॉलिटिक्स क्या इमरान खान पॉलिटिक्स लेकर नहीं आए? ये पॉलिटिक्स नहीं कही जाती इसको कश्मीर को ओके जी अगला सबूतों के साथ आ रहे हैं वो इमरान खान एज ए प्लेयर क्रिकेट जिहाद इमरान खान एज पी एम ऑफ पाकिस्तान हाफिज सईद एंड बिन लादेन आर मार्टियर्स हाफिज सईद और बिन लादेन जो है हाफिज सईद तो खैर है अभी बिन लादेन जो है वो शहीद ये स्क्रीन शॉट लगा रहा हूं आपको याद है ना यही इमरान खान ने दुनिया के इतने बड़े आतंकी को शहीद कहा था जिस पर बड़ा बवाल हुआ था याद है ना आपको हाफिज सईद को इन्होंने टेररिस्ट की लिस्ट से निकाला हाफिज सईद को उनकी गवर्नमेंट में पार्ट बनाया अनऑफिशियली ऑफिशियल नहीं और आपको पता बताएंगे हाफिज सईद कौन है छब्बीस मुंबई हम लोग का मास्टर अब देखिए एबीपी न्यूज की क्लिप है इसमें ये क्या कह रहा है मुझे तो इतना कुछ पता भी नहीं, नहीं। जो हाफिज भारत के टुकड़े करना चाहता उसे इमरान के राज कोई छू नहीं सकता इंशाला कोई माई कला हम असेंबली में और तेरी इंसाफ है आप इस तो कल मैं हक का साथ देगा हम उसका साथ करेगा इन करीब करेंगे जो हाफिज भारत का नाम सुनते ही बौखला जाता हूँ वो मोस्ट वांटेड इमरान के काम को नंबर देने वाला है मेरी आपसे इंतजा होगी कि आप खुद असेंबली में बैठे फिर देखें ये कल मैं हद का साथ देते हैं ये, ये भी <coughs> सुन लिया आपने हाफिज सईद को सपोर्ट कर रही थी इनकी पार्टी ठीक है जी अब आइए जरा सोहेल तनवीर के बारे में इन्होंने लिखा है सोहेल तनवीर मिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो आईपीएल 2008 में इन्होंने कमाए होंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी क्रिकेट छब्बीस ग्यारह के बाद बैन हो गए आईपीएल में आईपीएल में ये बैन हो गए तो उन्होंने आतंकवादी घटनाओं और आतंकवादियों को कंडेम करने के बजाय उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला हमसे पैसे कमाए हमारे खिलाफ जहर उगला स्पेशली हिंदूज के खिलाफ सुनिए लाइफ से तो खैर नहीं देखा मैंने मैं अपनी ट्रेनिंग, मेरे ट्रेनिंग का टाइम होता मैं तो ट्रेनिंग कर रहा था तो से? मुझे बाद में पता चला मीडिया के थ्रू ही लेकिन क्या हो सकता है अब उन्होंने बिल्कुल सही बिल्कुल की जानी ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था तो क्या किया पेशे करते हैं बगल में छुरी आप बगल में छुरी मुंह में राम राम ये हिंदू दुनिया के बारे में जो है आपको इसका पहले इल्म नहीं था लाइव चल तो कभी नहीं देखा मैंने मैं ये सुन लिया आपने लेकिन यहाँ पर रिलिजन गेम में नहीं आया है ठीक है पॉलिटिक्स नहीं आई है अब आइए ये देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओपनली ऑफ पोस्टर्स एम्ड एट क्रिएटिंग कम्युनल डिविजन इन इंडिया अब देखिए प्रोटेस्ट क्या लिखा ये? स्टेडियम की बात है कंस्ट्रक्शन ऑफ मंदिर ऑन द साइट ऑफ द बाबरी मस्जिद ये पॉलिटिक्स नहीं है ये रिलीजन नहीं है वी स्टैंड विद कश्मीरी बलूचिस्तान द हिडन प्राइड चलिए तो पैराडाइज ये तो, तो खैर झूठ है ब्रदर्स पॉलिटिक्स नहीं है आप स्टेडियम में ऐसे बैनर्स लगाकर जिस स्टेडियम में इंडियन टीम खेलने वाली है आप आप आ, दुनिया भर में टेलीकास्ट हो रहा है वहां पर आप क्या दिखा रहे हो ये पॉलिटिक्स नहीं है है ना अब आइए शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के इतने बड़े क्रिकेटर शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी मिक्सिंग क्रिकेट विद पॉलिटिक्स पार्ट वन अब्यूज पीएम मोदी मल्टीपल टाइम्स इवन कॉल फॉर अटैक अगेंस्ट हिम ये वही शाहिद अफ्रीदी क्रिकेटर है ना ये इसने मिक्स नहीं किया पॉलिटिक्स को पीएम मोदी को हमारे गाली देता है और हमला करने की बात करता है सुनिए लेकिन इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है वो बीमारी और वो बीमारी मजहब की बीमारी है लोग तालियां बजा रहे हैं मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं और हमारे ये दो किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई कश्मीर बहने बुजुर्ग हमारे उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो सुन लिया आपने ये पॉलिटिक्स नहीं है अगला ये फोटो देखिए अपने घर की छत पर पाकिस्तान कश्मीर का झंडा लगाते हैं ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के साथ और लिखता है ये

तू बताएगा हमें यह पॉलिटिक्स नहीं है ये क्रिकेट में तो पॉलिटिक्स घुसाई नहीं गई है अब आइए शाहिद अफरीदी फिर से रिलीजन घुसाते हैं इंडियन बॉलर्स ये भी बंदा खा वो इंडियन बॉलर ने वाला है कि जी गाय का मांस खाकर बीफ खाकर इंडियन बॉलर्स जो हैं वो अच्छे हुए आप हमारे मुसलमान बॉलर्स को टारगेट कर रहे थे और उनमें डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रहे थे हिंदू खिलाड़ी और मुसलमान खिलाड़ियों के बीच में सुनिए जरा मेरा ख्याल से बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि इंडिया बैटिंग पावर हाउस पाकिस्तान बोलिंग पावर हाउस क्यों ये डिफरेंस आता क्यों है मतलब हमें बैटर्स बहुत अच्छे मिलते हैं इंडिया से मगर अब बोले बोलर्स भी अच्छे मिलना शुरू हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बट ये क्यों ये एक नेचर कैसे बन जाती है एक रीजन के हिसाब से देखिए तो क्रिकेट क्वालिटी बहुत डिफरेंट हो गई है yeah. इसलिए कि इंडिया की डेढ़ अरब की तो मेरे yes. ख्याल में आबादी है बिल्कुल पहले हम यही कहते थे यहाँ से आ रहे हैं बॉलर्स यहां से yeah. आते yeah. बॉलर भी आते थे बैट्समैन भी आते थे ठीक है ना ये तो वहाँ के बॉलर ने अब थोड़ा गोश वोश खाना शुरू कर दिया तो थोड़े yeah. तगड़े हो गए yeah. तो आई I मीन mean, के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आई ने चेंज की है ठीक है एक तो धोनी की कप्तानी के अंदर बहुत सारी चेंज मेरे ख्याल से गोश वोश का मतलब वही होता है कि बड़ा खा रहे हैं ठीक है अब देखिए एक और शायद अफरीदी मिक्सिंग क्रिकेट पार्ट फोर। का देखिए टीवी भी तो नहीं तोड़ा होगा ना उससे में एक दफा टीवी तोड़ चुका हूँ क्या किस चीज से मारा था अच्छा एक दफा मैं अब बेगम को ना बेगम भी वैसे वो तोड़ा था बेगम ये मैंने पहले भी इसका सुना हुआ वो आरती वाला ना पहले ये हमारे स्टार प्लस के ड्रामे बड़े चला करते थे तो मैं बेगम को मना करता तो मैंने कहा आप अकेले में देख हाँ। लिया करो वो भी टीवी बहुत कम देखती है अच्छा। तो कहा अकेले में देख लिया करो टीवी आप बच्चों को ना बिठाया करो अच्छा तो मैं एक दफा घर आया तो मैं कमरे से बाहर निकला तो अंशा थी की अक्सर थी तो वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो तो ये इंडियन ड्रामो में क्या होता है थाली ये यूं यूं करके क्या कहते हैं उसको पता नहीं आरती पता नहीं क्या वो यूं यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया <laughs> तो वो वो एक दफा टीवी थोड़ा था पर उसके बाद हिंदुओं आप इस, इसको क्या कहेंगे इतनी नफरत जब खिलाड़ियों के मन में है हिंदुओं के प्रति और भारतीयों के प्रति <laughs> आम आवाम के मन में क्या होगा ये कोई सोचेगा ये कोई बोलेगा अगला जावेद मियादा, तोतला तोतला जिसको बोलने में प्रॉब्लम होती है उसने क्या किया हमारे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की बेटी से अपने बेट, अपनी बेटी का दाऊद इब्राहिम के बेटे से शादी कर दी ये क्या है ये हमको चढ़ाना नहीं था नहीं चढ़ाया अब देखिए <laughs> यही जावेद मियादाद किस तरह से रिलीजन का इस्तेमाल कर रहा है सुनवाता हूं मैं आपको ये तो इतने सबूत लेके बैठे हैं तो देखिए जरा इसके जहर बुझी बातें जरा सुनिए इंडिया में जो कुछ हो रहा है और जिस तरीके से भारती ने भारती के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी सामने एक बड़ा अच्छा काम किया है और उनके लिहाज से अच्छा है हमारे लिहाज से तो नहीं है मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूँ कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है तो इन मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा उसके अंदर क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया मगर लोगों को नहीं समझ आएगी इनशाला मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इन यहीं से जो मुसलमानों की

क्रिकेटर हैं आप कहते हैं कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स मत मिलाओ ये तुम्हारे क्रिकेटर क्या कर रहे हैं ये क्या मिला रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं मिला रहे सुनवाता हूं मैं मोदी सरकार को एक मैसेज देते जाए जो आजकल टेंशन है जो ये मोदी साहब कर रहे हैं मोदी साहब आप तुम्हारे ऊपर प्यार भी बोल आप भी बोल मगर लानत क्योंकि लानत इसलिए दे रहा हूं कि ये याद रखना कि जिस तरीके से तुम ये तुम जो धोती पहन दो ना इसी में तुम्हें लपटा के ना और अगर पाकिस्तान में ना घुमाया हो तो आप याद रखना लानत लानत देख रहे मोदी साहब को गालियां देने वाले ये क्रिकेटर सुनते चलिए एक एक सबूत जॉनी भाई ने दिया है एक एक सबूत जॉनी भाई आप जो भी हो आपको सैल्यूट है सर बहुत जबर काम किया है आपने बहुत जबरदस्त काम किया है यही जावेद मियादाद डेथ इज डस्टिन जावेद मियादाद इंडिया टू विजिट पाकिस्तान फॉर एशिया कप मरना तो है ही आओ एशिया कप मरने आओ देख रहे हो ये हैं ये लोग शोएब अख्तर नफरत देखते चलिए आप गजवाए हिंद करेंगे देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स क्यों मिलाते हो क्रिकेट में अबे अपने गरबा में नहीं झाक रहे यूट्यूबर्स

निकलेंगे। तब आप वो करेंगे उसके बाद, आगे चलेंगे। देख रहे मोहतरमा हैं कश्मीर करेंगे। और साथ में जो, है, जो बड़े नाजो नखरे में वेस्टर्न ड्रेस पहने हुए हैं अभी खुरासान बन जाएगा तो सबसे पहले आप ही को नीलाम करवाएंगे वो लोग इनको ये बात समझ में नहीं आती अब देखिए शोएब अख्तर जी इंटेंशनली बोल्ड बीमर टू ब्लू सचिन तेंदुलकर हेड ऑफ

डब्ल्यूवी रमन बहुत पुराने थे वो बॉल लगने से मरे तुम हमारे सचिन को बॉल से मार डालना चाहते थे भीमर मारी तुमने और ये कबूल कर रहे हो इसके ऊपर तो केस चलना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट में केस करना चाहिए सचिन तेंदुलकर को खिलाफ सोचिए इतना बड़ा ये आके करता है और शान से बता रहा है मैं तो मारना चाहता था उसको हाँ। ये देखिए डायरेक्ट अगेंस्ट इंडिया स्टोन पेल्टिंग उन्नीस में श्रीकांत पर उन्नीस में पूरी इंडियन टीम पर 2004 में सचिन इरफान और अजीत अगरकर पर सोचिए ये उसी का वीडियो है देख रहे ये उसी का वीडियो है टीम वापस चली गई देख रहे इस्लामिक कट्टरता आपके प्लेयर्स के दिमाग में भरी पड़ी है पीसीबी कहता है इस्लाम ओन ओवर इंडिया बाजिद खान कहता है कुफर टूट गया यूनुस कहता है रिजवान परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ बेस्ट मोमेंट एवर सुनिए लेकिन कोफर तो टूट गया <laughs> ये दो 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 करें। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी मुझे सुन लिया आपने अगला पाकिस्तानी क्रिकेटर नवेदुल हक इंडियन मुस्लिम इज सपोर्ट पाकिस्तान ओवर इंडिया इंडियन 2023 वर्ल्ड कप देख रहे हैं बांटने की कोशिश हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में घुसकर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हो इंडिया पाकिस्तान आमने सामने खड़े होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप में अहमदाबाद में जो कि ऑफिशियली डिसाइड हो गया है आपके क्या रिमार्क्स है एज अ बॉलर कौन सी टीम को ऊपर देख रहे हैं कौन सी टीम को फेवरेट देख रहे हैं आप क्या सिलसिला है क्या है ज़रा पता है देखिए इंडिया इंडिया में इंडिया जब खेल रही होती है तो डेफिनेटली वही फेवरेट होंगे पाकिस्तान की टीम भी बहुत अच्छी है अच्छा मैच होगा क्राउड जहाँ तक क्राउड का मामला है वो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम मुसलमान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा तो हमें आ, उनकी तरफ से भी सपोर्ट होगी सुन रहे हैं ये पॉलिटिक्स नहीं है ना 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 पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहनवाज दहानी कॉलिंग फॉर सेपरेट कश्मीर कंट्री सुनिए खेलते हुए ये पॉलिटिक्स नहीं है कश्मीर के लिए क्या क्या एक कश्मीर के लिए सुनते चलिए और भी कई सारे वो हैं बताते रहेंगे अब क्या करेंगे मतलब बताते बताते थक जाऊंगा मैं कि इतनी नफरत भरी है इनमें और देखिए एक बार और ये इकोग्निटो हैं इन्होंने भी कुछ डाला है ये दाऊद इब्राहिम का फिर से डाला है कि तलवार लहरा रहा है कह रहा है कि बैट भी लहरा सकता हूँ तलवार से हिंदू को मार के कश्मीर भी ले सकता हूँ सुनिए कश्मीर भाइयों तुम फिक्र करो हम आपके साथ हैं मेरे पास बल्ला भी है छक्का मारा था अब ये चलेगा बल्ला भी तेज तलवार भी तेजी एक तो एक तो तो है। इससे सुना आपने ये नफरत नहीं तो और क्या है सिक्योरिटी कंसर्स ये है यह है सिक्योरिटी कंसर्स आपके क्रिकेटर करते हैं पॉलिटिक्स ये देखिए इकनिटो भाई ने फिर छापा है ये वो फोटो है जब चाकू से हमला करने की कोशिश की गई थी हमारे श्रीकांत को याद है भूल जाए हम ये चाकू से कपिल देव पीछे खड़े हैं भूल जाए हम ये पाकिस्तानियों ने पत्थर फेंके थे ये पत्थर लेके जावेद मियादाद दिखा रहा है दर्शकों को ये भूल जाए कितनों को रोकेंगे आप भूल जाए फिर से कराची के स्टेडियम में फुल सिक्योरिटी होने के बावजूद पत्थर फेंके गए थे भूल जाए हम लोग सचिन तेंदुलकर रहेंगे गांगुली सिक्योरिटी कंसर्स नहीं है छोड़िए सर उसके अलावा तो सिक्योरिटी के कंसर्स हैं आप देखते चलिए कितने सिक्योरिटी के हैं इरफान पठान पर हमला हुआ था पेशावर में क्या कहेंगे तो इतने सबूत तो दे दिए और क्या चाहिए बाकी उधर जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं अभी जो ब्लास्ट हुआ क्वेटा में अटैक हुआ चाइनीज मारे गए ये सब अलग है ये तो क्रिकेट के इंसिडेंट्स बताए हमने क्या ट्रीटमेंट मिलती है और पाकिस्तानी कहते हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे घंटा सिक्योरिटी दोगे हमारे सिक्योरिटी कंसर्न चाय से आज पूरा दे के इन भाई लोगों ने बहुत मेहनत की है मैं तो सिर्फ आके बता रहा हूं इन भाई लोगों की मेहनत है जॉनी ब्रावो भाई अगेन सैल्यूट है यार ट्विटर पेन की आईडी को जाइए फॉलो करिए बड़ा अच्छा करते हैं थ्रेड बनाया उन्होंने धज्जियां उड़ा दी उन्होंने पाकिस्तानी प्रोपागंडे की और मैंने कहा कि ये बात और ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानी चाहिए कि आपके पास सबूत हो बोलने के लिए जब पा कोई पाकिस्तानी कहे तो आप उनके मुंह मारो इसको बोलो कि देख ये सिक्योरिटी हमारे और तुम कहते हो फुल सिक्योरिटी देंगे अब सिक्योरिटी तो वहां दी जाती है जहां पर खतरा होता है तो तुम्हारे यहां खतरा है तभी तो कह रहे हो कि ऐसी सिक्योरिटी देंगे ऐसी सिक्योरिटी देंगे वैसी सिक्योरिटी देंगे जहां खतरा नहीं होता वहां पर नॉर्मल होता है मामला प्लेयर आराम से जाते हैं बिना किसी डर के जाते हैं जहां चलते हैं घूमते हैं फिरते हैं समझे तो दोस्तों आप बताइए कैसा लगा आज का ये वीडियो और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और उनके मुंह पर मारिए थप्पड़ जो ये पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं कि कोई जी सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं ये उनके मुंह पर करारा थप्पड़ है और कमेंट जरूर करिए जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जय हिंद ओके okay गाइस uh, तो अच्छी थी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और थ्रेड uh, जो मतलब ट्विटर के ऊपर इन्होंने किया यार वो काफी मेहनत उन्होंने की जिसके जिसका ये जॉनी भाई का वो दिखा रहे थे बाकी काफी मेहनत उन्होंने की हर चीज को जो है वो क्लियर किया और इनकी वीडियो बहुत अच्छी बहुत इंफॉर्मेटिव थी और सिक्योरिटी कंसर्न तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बोला था कि अगर भाई उनको है सिक्योरिटी कंसर्न तो ठीक है ना कहीं और खेल लो क्या मसला है तुम लोगों के अंदर अपनी एबिलिटी होनी चाहिए फिर अपने आप को साबित करो मनवाओ कहीं और भी क्रिकेट खेलते हो मतलब सऊदी अरब है या सॉरी वो साउथ अफ्रीका वो बोल रहे थे या दुबई बोल रहे थे कि वो क्रिकेट खेलेंगे अब अब वहां पे क्रिकेट खेल लो ठीक है और फिर उनको हराओ और दिखाओ कि भाई हम हमारे अंदर एबिलिटी है तुम कहीं भी खेलो लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही उनको लाना क्यों है मतलब मैं कहती हूं एक गेम है ना तो उसको जो है गेम को यार जस्ट इंटरटेनमेंट जस्ट फन के लिए खेलें उसके अंदर पॉलिटिक्स और रिलीजन जो है वो मत मिलाएं एक गेम है ना उसको न्यूट्रल होके खेल ले उसको तो इन सारी चीजों से अलग रखे गेम है ना गेम अक्सर लोग खेलते हैं यार माइंड फ्रेश होता है ठीक है इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं इंडिया पाकिस्तान खेल रहा है ठीक है इन सब चीजों से बियॉन्ड होके जो है मैं स्पेशली जो है वो क्रिकेट देखती हूँ विराट कोहली बहुत फेवरेट है इंडियन टीम को सपोर्ट करती हूँ तो इन सब चीजों से थोड़ा सा ऊपर जाके तो देखे बड़ा अच्छा लगता है दिल को बड़ा सुकून मिलता है

रिलीजन को और पॉलिटिक्स को जो है वो एक गेम से दूर रहना चाहिए और क्या उसे कहते हैं कि जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात आई है ना तो रिलीजन और पॉलिटिक्स अंदर लाजमी आई आप देखे पार्टीशन भी सब कॉन्टिनें की जब पार्टीशन भी पॉलिटिक्स तो ही था क्योंकि तो वजह से वो कहीं ना कहीं चीज मैं अपने अगर देखो पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चीज सब कॉन्टिनेंट से ही स्टार्ट होके अभी तक जो है वो उन चीजों से हम बाहर ही नहीं निकल रहे अभी तक हम उन फैक्टर से बाहर ही नहीं निकल रहे इन्हीं फैक्टर्स ने हमें जो है वो अलग कर दिया था और अभी तक स्टिल हम उन्हीं चीजों के अंदर फंसे हुए हैं हम उन चीजों से बाहर नहीं निकले बाहर निकलेंगे ना तो वो अपने मुल्क के अंदर खुश रहेंगे हम अपने मुल्क के अंदर खुश रहेंगे मैं ये नहीं आ, मतलब आ, समझती कि हर चीज यहाँ से ही होती है कुछ वहां से भी होती है फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल बट मोस्टली जो चीजें हैं वो यहां से ही स्टार्ट होती हैं और आ, मेरे ख्याल से दोस्ती का अगर हाथ बढ़ाया जाए प्यार मोहब्बत से रहा जाए तो सारे मामला जो है वो हल हो सकते हैं और लास्ट में बता दो कि सिक्योरिटी इशू सिक्योरिटी इशू क्यों है आप बार बार सिक्योरिटी के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं मेरे जो गोरवारी की हम लोगों ने वीडियो देखी वहां पर भी वो यही कह रहे थे कि इतनी टाइट सिक्योरिटी कर देना कि कोई बंदा जो है वो सांस भी ना सही से ले सके तो तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ गड़बड़ है अब ये तो सिर्फ हमारे के 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 अंदर अंदर जो है वो एक के अंदर था। एक माइंड था चीज मतलब मजहब को लेके और पॉलिटिक्स वगैरह जो थी हमारे क्रिकेटर्स के अंदर थी बट आप देखिए आए दिन कोई ना कोई ब्लास्ट कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम जो है वो चलती रहती है हमारी कंट्री के अंदर और जयशंकर भी जब आए तो उन्होंने यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के अंदर ये बोल दिया कि ये जो है वो टेररिज्म है यहाँ पर ये वो प्ला प्ला बहुत सारी चीजों को जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है और हमने इस बात को ना अपनी अना का मसला बना दिया इन लोगों ने खेलने नहीं आना इनकी हिम्मत कैसे हुई हमें इनकार करने की या ठीक है ना नहीं आ रहे छोड़ो परे कहीं और खेल लो इतना मामले को इस चीज को इतना बढ़ाया ही क्यों है ये मतलब पाकिस्तान वाले सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बेजती हो जाएगी अगर इंडिया यहाँ पर खेलने नहीं आता तो बाकी हमारा जो इम्प्रेशन है बहुत बैड पड़ेगा कि इनके पास सिक्योरिटी का मसला है इनका मुल्क सेव नहीं है बस इस वजह से इनको ज्यादा मसला हो रहा है और हो सकता है कि मतलब प्लानिंग भी चल रही हो इस बारे में कि किस तरीके से उनको मनाया जाए हाथ पल्ला जोड़ा जाए कि भाई आ जाओ बट अब वो नहीं आने वाले ठीक है ये बात लोहे पे लकीर हो गई है कि वो नहीं आने वाले तो अच्छी वीडियो थी फेंटेस्टिक वीडियो थी आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी और मैं तो भाई बिल्कुल एकदम से हैरान परेशान हमारे क्रिकेटर्स ये चीजें सोचते हैं मतलब मैं सोचती थी कि यार नहीं क्रिकेटर्स ये चीजें नहीं सोचते होंगे बट नहीं क्रिकेटर्स भी ये चीजें भाई सोचते हैं एक पाकिस्तानी ही यूट्यूबर था मैंने उसकी वीडियो पे रिएक्ट भी किया मुझे उसका नाम भूल गया मुजम्मिल करके उसका नाम है उसने भी यही कहा था कि हमारे क्रिकेटर्स जो है वो रिलीजन को और जो है वो पॉलिटिक्स को अंदर लेके क्रिकेट खेलते हैं जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आती है तो आप लोग भी अपनी रेकमेंड सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा अब मैंने इसकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन वीडियो बना दिया इनकी वीडियो के ऊपर तो आप जो है वो अब काफी बंदे खुश हो गए होंगे तो लाइक करे सब्सक्राइब करे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाय बाय